आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के सचिव गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, पूर्व राज्यपाल श्री केसरी नाथ त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव राजभाषा विभाग सुश्री अंशुली आर्य जी, संयुक्त सचिव राजभाषा डॉक्टर मीनाक्षी चौली जी, राजभाषा समिति के सभी माननीय सदस्यगण, देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी राजभाषा से जुड़े हुए विशेषज्ञगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं सबसे पहले माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का, जिन्होंने आजादी के बाद इस पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के लिए उत्तर प्रदेश की प्रति को चुना और उसमें भी काशी को। मैं इस अवसर पर आप सभी का माननीय गृह मंत्री जी के साथ अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का काशी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब इस बात को मानते हैं कि मनुष्य इस सृष्टि का ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। इस सर्वश्रेष्ठ कृति इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम दिया है और अभिव्यक्ति का हमारा माध्यम है हमारी भाषा। देश के अंदर और दुनिया के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी, लेकिन हिंदी की उपेक्षा आप इसी से समझ सकते हैं कि इस सम्मेलन को आयोजित करने में भी आजादी के बाद 75 वर्ष लग गए हैं और वह भी तब जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के हर बड़े मंच पर पूरी प्रमाणिकता के साथ हिंदी में अपने उद्बोधन के माध्यम से भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाइयां दी। काशी के साथ तो बहुत कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, याद करिए हिंदी की ही जो बोलियां हैं, भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है, बुंदेलखंडी है, राजस्थानी है, मगधी है, ये सभी हिंदी से जुड़ी हुई है क्योंकि हम सब की एक लिपि है, वह देवनागरी लिपि है और सभी लोग उस लिपि के माध्यम से ही अपनी बोली अपनी भाषा को आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास जी ने यहां पर जब रामचरितमानस की रचना करना प्रारंभ किया था, कहते भगवान शिव ने कहा कि नहीं, संस्कृत में तो पहले ही भगवान वेदव्यास ने लौकिक संस्कृत में
दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ काव्य रचा है, आज से हजारों वर्ष पहले रचा है, लोक भाषा में इसे रचो। और आपने देखा होगा भगवान शिव की प्रेरणा से अवधि में रचा गया रामचरितमानस कैसे जन जन को अपने साथ जोड़ने में सहायक है। पिछले सैकड़ों वर्षों से आपने देखा होगा रामलीलाओं का माध्यम हो, समाज को जोड़ने का माध्यम हो, देश की स्वाधीनता के लक्ष्य लगाने वाला माध्यम हो, रामचरितमानस घर घर में, मुझे लगता है कि कोई ऐसा सनातन हिंदू धर्म का ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में रामायण या रामचरितमानस न रखा हो और लोग उसकी पूजा न करते हो। मुझे 3 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से मॉरिशस जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मॉरिशस में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होता है तो मेरे लिए उत्सुकता थी क्योंकि मॉरिशस में जो बहुसंख्यक आबादी है वह इस भोजपुरी क्षेत्र की, तो जब मैं उनके पास गया था तो मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि लोग कैसे यहां पर आए, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, इनका रहन सहन कैसे है। तो वहां पर कुछ गांवों में, गांव की जो बस्तियां थी वहां पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप याद करिए कि वे लोग जब यहां से गए थे वे विशुद्ध रूप से मजदूर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ाई लिखाई के नाम पे उन्हें एक अक्षर नहीं आता था, लेकिन अपने साथ रामचरितमानस की पोथी लेकर के गए थे। मैंने उनकी वर्तमान पीढ़ी से पूछा, मैंने कहा क्या आप लोग, क्या आपके पूर्वज क्या इसको पढ़ना जानते थे? कहते नहीं, वो केवल इसकी पूजा करते थे और हमसे कहते थे इसकी पूजा करनी है। और उन्होंने भी जब हिंदी की देवनागरी लिपि सीखी तब उसके माध्यम से बोल पाते हैं, अन्यथा भोजपुरी बहुत अच्छी बोलते हैं। रामचरितमानस की एक एक चौपाई का उन्होंने परंपरागत रूप से जो सीखा है उन चौपाइयों को उसी रूप में वे आज भी गायन करते हैं। लेकिन रामचरितमानस को अगर मैं बोलूं कि आपको यहां से फोन करके थोड़ा मुझे पढ़ के बताइए तो वो कहते नहीं, सब हमें आता नहीं। लेकिन परंपरागत रूप से भारत की ज्ञान की परंपरा कैसे बढ़ती गई, ये श्रवण परंपरा, वह आज भी वहां पर देखने को मिलती है। और संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस हम सब के लिए कैसे लोक आराधना का केंद्र बिंदु बना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने सभी लोक भाषा को, और फिर काशी तो क्या तुलसीदास जी हों, क्या कबीरदास जी हों, क्या संत रविदास जी हों, या फिर उसके बाद भी एक लंबी परंपरा चली, भारतेंदु हरिशन ने तो यहीं से कहा था, यहीं से उद्घोष कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। एक पूरा युग भक्ति काल से लेकर के आधुनिक काल तक का पूरा कालखंड हिंदी का काशी से केंद्रित है, काशी से जुड़ा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कालजयी कृतियों को केंद्र बिंदु भी काशी को बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उपेक्षित रहा। और देश की स्वाधीनता के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इससे पहले भारत आजादी की लड़ाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लड़ता रहा होगा, लेकिन जब आजादी की लड़ाई में स्वदेशी और स्वभाषा इसका मूल बना, आपने देखा होगा यह अखिल भारतीय लड़ाई एक साथ एकजुट होकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ता भर गया। और देखते ही देखते कुछ समय के अंदर भारत स्वाधीन हुआ। मैं आभारी हूं माननीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अपने पूर्वजों को और अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को इससे अच्छी नम्र श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती कि हम
राजभाषा को सम्मानित करते हुए इस प्रकार के भव्य आयोजनों के माध्यम से, अनेक सत्रों के माध्यम से कैसे हम पूरे देश को जोड़ने वाली जो हिंदी है उसको फिर से वह मंच दें, जिसे सदैव अटल जी ने कभी यूएन के मंच के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से जिन्होंने एक आवाज दी थी, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव प्राथमिकता के आधार पर वैश्विक मंच पर जिसका उद्घोष करते हुए, जिस भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए भारत और भारतीयता के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आज उस पर मंथन करने के लिए आज सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश शासन इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने हिंदी संस्थान के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, प्रकाशन के साथ साथ इस क्षेत्र में शोध की लोक गाथा लोक परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन साहित्यिक कार्यक्रमों को एक नई गति देने के साथ साथ प्रदेश के अंदर पुरस्कारों की भी एक परंपरा प्रारंभ की। भारत भारती पुरस्कार हम लोग 8 लाख रुपए का प्रदेश के अंदर उपलब्ध कर देते हैं। इसी प्रकार से हिंदी गौरव सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, अवंतीबाई साहित्य सम्मान, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन यह सम्मान आदि अलग अलग विधा से जुड़े हुए लोगों को, वह साहित्यकार हो, लोक कथाकार हो, या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विभूतियों को यह सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष उपलब्ध कराता है। आज के इस अवसर पर मुझे केवल आप सबसे यही कहना है, जब हम राजभाषा से जुड़े हुए इस अखिल भारतीय सम्मेलन के माध्यम से काशी की इस पावन धरती पर उपस्थित हुए हैं, ये बाबा विश्वनाथ की पावन धरती है, और इस पावन धरती में जब हम लोग यहां पर एक गंभीर मंथन के साथ यहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे यहां कहा गया है अयोग्यो पुरुषो नास्ति यो जगह तत्र दुर्लभ। आप सब जैसे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। 7 वर्ष के अंदर आपने भारत की इस बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। 7 वर्ष पहले भारत क्या था? भारत के अंदर आम जन के मन में विश्वास का भाव था। वैश्विक मंच पर भारत की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी वो प्रतिष्ठा उस रूप में नहीं थी जो भारत को मिलना चाहिए था, लेकिन पिछले 7 वर्षों के अंदर, 7-7.5 वर्षों के अंदर आपने बदलते हुए भारत को, इस एक नए भारत को, इस श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलते हुए भारत को देखा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है, देश के अभिभावक के रूप में, देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, अगर पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी उसका माध्यम हिंदी को बनाते हैं, लोक भाषा को बनाते हैं, तो आज हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी अगर अपने अपने क्षेत्र में योजक बनकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि जो कार्य आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, अब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर ही हम उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। मैं इस पूरे द्विदिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के प्रति हृदय से मैं बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।